हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ओप्पो फ़ोन के बारे में। ओप्पो का आपके पास कोई भी फ़ोन हो, अचानक से उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे अचानक आपका टच काम करना बंद कर दे, अचानक आपका LCD पे ग्राफिक आना बंद हो जाए, अचानक आपका माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर दे, यानी अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, इस फ़ोन का जो है टच नहीं काम कर रहा है। बहुत से फ़ोन में आता है कि टच नहीं काम करता, बहुत से फ़ोन में जो है LCD पे ग्राफिक नहीं आता है, बहुत से फ़ोन में माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद देते हैं। ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ भी हो जाता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार अपने मोबाइल को रिबूट और रिस्टार्ट करना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, यानी आवाज़ बढ़ाने वाला बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आप एक साथ लगातार 10 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल में जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। यदि आपका मोबाइल हैंग हुआ होगा तो 100% आपका जो है वर्क करेगा दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन चलते चलते जो है टच काम करना बंद कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है फ़ोन आता है डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है, यानी मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम कोई भी अचानक से आपके मोबाइल में हो जाता है। तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। ओप्पो का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, इस ट्रिक को इस्तेमाल करने में आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। केवल एक बार अपने मोबाइल को रिबूट करना है और रिबूट करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन को लगभग 10 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो 100% सही हो जाएगा। थोड़े समय में हमारा फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहले हमारा जो है टच नहीं वर्क कर रहा था, लेकिन अब देख लीजिए हमारा टच जो है बिल्कुल काम करने लगा है। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।